पूरा कानून लगभग दो हफ्ते बाद एक लेक्चर शूट हो रहा है। हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात किए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम का लगभग 6 लेक्चर हो चुका था, लगभग 2 या 3 लेक्चर की बात और रह गई है, इक्विलिब्रियम समाप्त होगा। टारगेट हमारा यही है कि जब तक ये बीमारी कुछ कंट्रोल में नहीं आती तब तक हम फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट ख़त्म किए रहें, समय रहा तो इनऑर्गेनिक भी धीरे धीरे निपटा ही देंगे। टारगेट ये रहेगा कि ऑर्गेनिक बस बचे आपके लिए, जिसके लिए मतलब जब भी हम करें परीक्षा के पहले ऑर्गेनिक फिर हम निपटा लेंगे। चैलेंजिंग पार्ट ऑर्गेनिक बस है, तो उसके लिए हम 1 महीने 2 महीने के लिए समय ले लेंगे। जब भी बीमारी ख़त्म होगी एग्जाम के पहले वो फिर हम निपटवाएंगे, उसे बुला लेंगे बाहर से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम समाप्त हो रहा था, सर्विस को मैंने छोड़ा था, मुझे याद है 2 लेक्चर के बाद उसको मैं पूरा करूँगा। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल देखा था, शायद CO2 + H2 = CH3OH का था क्या, CO+ ऐसा था क्या, CO+2H2 = CH3OH का एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। हमने कहा था 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है और कुछ मोल H2, ऐसा 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मोल H2 को लेकर रिएक्शन स्टार्ट होती है। 5 लीटर के बर्तन में ये रिएक्शन हो रही है। हमने एक प्रेशर भी दे दिया था कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इतना है ना। तो हम आपसे क्या पूछ लिए थे, क्या पूछे थे कि अगर केसी की वैल्यू अल्फा अपान कुछ ऐसा था तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमने पूछा था, है ना। अल्फा अपान का 9.8 × 9.8 ऐसा कुछ करके था, तो अल्फा की वैल्यू निकालना था और वो क्वेश्चन हम लेके आए थे। क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको हम के मान के चले थे और फिर PV = nRT का इस्तेमाल हुआ था। अगर आप याद आ रहा हो तो थोड़ा दो, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर जाएँ, यूट्यूब पर जाएँ, डालिए केमिकल इक्विलिब्रियम बाय साइलेंसी 06, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये पूरा लेक्चर, उसको देख लें तभी आज के लेक्चर पर स्विच करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बढ़िया सा टॉपिक, नाम आपने पहले से ही सुना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा हिंदी में बोलते हैं इसको, वियोजन की मात्रा। मैं भी आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं, सबका अलग अलग राय है, कहना सब वही चाहेंगे, बताने के तरीका अलग है। मेरे अनुसार अल्फा से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझना है, क्योंकि रटना तो धर्म नहीं है अपना, हमें बोर्ड भी नहीं लिखना है, अब तो समझ में आना चाहिए है क्या, फील आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि NH3 डिसोसिएट हो रहा है, वो बच्चे से आप जानते हैं ऐसे डिसोसिएट होगा है NH3, आप कहेंगे उल्टा लिखा है, NH3 ऐसे डिसोसिएट होगा, अगर वो ऐसे करेंगे तो NH3 बनने का वो हो जाएगा ना रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन हमने लिखा है। NH3 शुरू में मान लेते हैं कि शुरू में NH3 था कितना मोल, 1। देखो नहीं कि हर रिएक्शन में NH3 एक मोल ही, या कि जो भी डिसोसिएट हो रहा है वो एक मोल ही रहे, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई 1 मोल से। इनिशियल ये 0 ये 0, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे कितना, अब डिसोसिएशन है, मान लेते हैं कि इसका डिसोसिएशन कितना है अल्फा, किसका NH3 के डिसोसिएशन अल्फा है, अगर मान लो दिया है क्वेश्चन, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पे इसका अल्फा
डिसोसिएट हो। एक था अल्फा डिसोसिएट, मैं एक जानबूझ के कहा, क्योंकि जब डिफिनेशन कहूंगा तो क्या कहूंगा, एक मोल पे कितना डिसोसिएट हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कि कितना मोल समाप्त हो गया काहे का, जो भी डिसोसिएट हो रहा है उसका, कब इक्विलिब्रियम में। रेफरेंस क्या है, एक मतलब एक मोल के लिए कितना डिसोसिएट हो रहा है, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एक मोल के लिए कितना डिसोसिएट हो रहा है। अच्छा, यहां दो मोल होता तो यहां दो अल्फा, तीन मोल होता तीन अल्फा, एन मोल होता एन अल्फा, पर अल्फा क्या है, एक मोल के लिए डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पर एक मोल के लिए कितना डिसोसिएशन हुआ, बात समझ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर एक मोल के लिए कितना डिसोसिएशन हुआ, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फार्मूला तो लिखा ही है बुक में, बता भी दूंगा, ये बात समझ आ रही। मैं कहता हूं मूव क्वेश्चन मान लो दिया था कि अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ एनएस3 इक्वल टू 0.2, इसका मतलब एक मोल के लिए 0.2 घट जाता। अच्छा, तो अगर ये तीन मोल होता तो फिर 3 अल्फा घटता। ठीक है, अगर ये तीन मोल होता तो तीन अल्फा, मतलब एक मोल पे एक अल्फा, एक मोल पे एक अल्फा डिसोसिएट। तो डिसोसिएशन किस का रेफरेंस क्या होगा, एक। ठीक है, अगर मैं फार्मूला कहूंगा अल्फा का, तो क्या आप ये कहेंगे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल, यही ना फार्मूला निकलेगा, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फॉर पर मोल। एक मोल निकाल पर यूनिट के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल भाग ही तो देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो क्या करिए, जितना वॉल्यूम उसका भाग देते, तो पर यूनिट मोल के लिए निकालना तो क्या करिए, फॉर्मूला उसका, तो क्या करेंगे अल्फा का फॉर्मूला बनेगा। तो मतलब अगर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल मोल इनटू अल्फा, इसीलिए यहां तीन मोल के लिए तीन अल्फा, चार मोल के लिए चार। यहां से भी आप देख सकते हो मैथमेटिकली। ठीक है, अच्छा, क्या अल्फा की कोई यूनिट हो सकती है, नहीं, ऊपर भी मोल नीचे भी, अल्फा यूनिटलेस है। पूछा जाता है यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं, यूनिटलेस कोई यूनिट नहीं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि अल्फा है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, अल्फा क्या है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, कितना मोल डिसोसिएट हुआ, कितने में, एक मोल में। ठीक है, ज्यादा है तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, ₹5 के एक पेन, 15 रुपये के तीन पेन, ठीक है। क्या एक से ज्यादा डिसोसिएशन हो सकता है, एक मोल में क्या एक से ज्यादा डिसोसिएट हो सकता है, नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूं, अल्फा क्या है, एक मोल पे कितना डिसोसिएट हो, तो मैक्सिमम एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा, एक, भाई एक मोल था ही तो डेढ़ कहां से डिसोसिएट हो, डिसोसिएट मतलब समझ रहे हैं, चुक जाना, रिएक्शन में चुकेगा ना, खत्म होगा ना, तो डिसोसिएशन मतलब क्या, खत्म होना, जब एक मोल था तो डेढ़ कहां से खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसोसिएशन कितना पॉसिबल है, एक। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब अल्फा छोटा होगा या कि बराबर भी हो सकता है, एक से, और ऐसा हो सकता है कि खत्म ही ना हो, अब जीरो से क्या माइनस में थोड़ी हो, अल्फा की वैल्यू सदैव जीरो और एक के बीच में होती है, याद रखें, चाहे समझ ले चाहे समझना ज्यादा है भाई, एक से ज्यादा खत्म नहीं हो सकता, अल्फा
मुनाफा है क्या एक मोल में कितना खत्म हो सकता है? तो एक मोल में क्या एक मोल से ज्यादा खत्म हो सकता है क्या? नहीं। तो एक से ज्यादा बहुत होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत होगा पूरा खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जीरो और एक के बीच में हमेशा हमेशा। ठीक है, एकदम ऊपर वाला केस बनेगा कि एक पूरा पूरा खत्म हो जाए या कि खत्म ही ना हो। दोनों ही केसों में इक्विलिब्रियम की संभावना संभव नहीं है क्या? बिना खत्म हुए अगर मैं रिएक्शन कहूं यहां से स्टार्ट होती है तो अगर कुछ ना खत्म हो, अगर कुछ ना खत्म हो तब भी इक्विलिब्रियम। भाई बिना कुछ खत्म हुए, बिना कुछ रिएक्शन प्रोसीड हुए कैसे इक्विलिब्रियम हो सकता है? और या कि पूरा खत्म हो जाए, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर यहां से बनेगा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम तब भी संभव नहीं है। मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल टू जीरो अल्फा इक्वल टू वन संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर केवल अनुत्क्रमणीय, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन में, फॉर इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन में अल्फा की वैल्यू सदैव जीरो से बड़ी और एक से छोटी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आए तो अल्फा जीरो और एक नहीं हो सकता, इनके बीच में कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, कुछ मात्रा इसका भी हो कुछ मात्रा उनका भी हो, तब आपस में सामंजस्य बैठेगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप अचीव कर पाओगे। बात समझ में आई? ठीक, अल्फा क्या है? कुछ नहीं है, डिग्री आप इसे सुनो। ठीक है, कितने में? एक में। जैसे मैं कहूं कि ए डिसोसिएट हो रहा है, बी सी बन रहा है, मैं सब मतलब प्रैक्टिस दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टू बी हो रहा है और ये एसोसिएट है, मैं कहता हूं ए के एन मोल थे, ए के कितने मोल थे इनिशियली? अरे यार इनिशियली इसके एन मोल थे, इसको जीरो थे, इसको जीरो। ठीक, हम कहते हैं अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा दी गई है, लिखने का प्रयास करते हैं इसका इक्विलिब्रियम पे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम। चलिए ये कितना होगा, एन माइनस एन अल्फा, एन माइनस एन माइनस एन अल्फा, क्यों एन मोल है एन माइनस यहां यहां कितना टू एन अल्फा और यहां कितना एन अल्फा, बस खत्म। अगर आप इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़े हैं ना पुराने पांच लेक्चर, अब बचाइए क्या, अब हम कहीं भी जा सकते हैं यहां के बाद, कहीं भी जा सकते, कहां कहां आपको मोल पता है, आप पार्शियल प्रेशर पे जा सकते हो, अगर टोटल प्रेशर पता हो तो आप यहां से केसी पे जा सकते हो, केपी पे जा सकते हो, केपी किसी के बीच रिलेशन पे जा सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ दिया होता व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ केसी, यही पूछता और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेई लेवल का, जेई लेवल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये रिएक्शन दे देता और डायरेक्टली पूछता रिएक्शन स्टार्ट्स विद एन मोल ऑफ ए, व्हाट विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर केसी, ऐसी तैसी हो जाती है इस क्वेश्चन में। और अब क्या हम केसी पे जा सकते हैं यहां से? चलिए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। केसी पे जाने के लिए अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूं, अगर आप भूले नहीं हो तो इधर का एक्टिव मास याद आ रहा है कुछ कुछ, बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए, एक्टिव मास क्या है, मोलरिटी, वॉल्यूम दिया होता तो हम नॉर्मली उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते क्योंकि मोल है, और अगर नहीं दिया है तो एक लीटर मान के काम आगे कर लेंगे, दिया होता नॉर्मली एक लीटर दे देता है, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर निकालने के लिए पूछता है तो वॉल्यूम की फिर
पाँच लीटर सात लीटर नहीं देता, वो एक ही लीटर कहता है जिससे कि समस्या ना आए कैलकुलेशन, है ना। ये सब रिएक्शन कहाँ हो रही है, एक लीटर में, मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसके बाद आप जब एक्टिव मास निकालोगे, एक्टिव मास मतलब क्या, केसी के लिए एक्टिव मास क्या मोलैरिटी है, केपी के लिए एक्टिव मास क्या पार्शियल प्रेशर, तो ये क्या निकलेगा, सब में आप वन का भाग दे दोगे, ठीक। अगर पांच लीटर आठ लीटर होता तो उसका भाग देते, तब जाके वहां पे आइटम रखते। चलिए देखते हैं, मतलब मैं इस क्वेश्चन को लेकर सारे कॉन्सेप्ट आपका खोल रहा हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम सुन के पगलाएं नहीं, वो सिर्फ आपको मदद करने के हिसाब से एक शब्द है कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम पे ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं, है ना। लिखने का तरीका बदल गया है, अभी तक जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं देता था तब हम यहाँ पे क्या लिखते थे वो भी आपको याद होना चाहिए, है ना। वहाँ पे हम फाइव माइनस एक्स करते थे, वो एक्स क्या है, वही एक्स तो हमें रोका है, क्योंकि वहां पे पता ही नहीं कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो मैं एक्स मान लेते थे। अब यहाँ पता है कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो कहा माने भाई वेरिएबल कहाँ लेके आए, तो पता है, तो मतलब ये और आसान है उससे, अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां तो एक्स मान के एक्स की वैल्यू के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, या कि हिंट देता था ठीक है कितना बोल, तो एक्स की वैल्यू निकल जाती थी। यहाँ हमें वेरिएबल मानने की भी जरूरत नहीं है, तो पहले दे दिया कितना डिसोसिएट होगा, इतना बचेगा, लोग खत्म। अगर हम फील कर पाए अल्फा क्या है, तो एक मोल पे इतना, पांच मोल था, 15 मोल डिसोसिएट हो गया, शुरू में कितना था 20 मोल, लो 20 माइनस 15 5, यहां बचा खत्म। अगर आप समझ पा रहे हो, जो पहली बार देख रहे होंगे ऊपर उड़ गया होगा, मैंने क्या होगा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, कहां गया, 2n अल्फा का स्क्वायर, सी की वैल्यू n जाने वाला एक बेहतरीन मॉडल कि आपको एक्सप्रेशन लिखवा देगा, एक्सप्रेशन लिखवा देगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, प्रेशर दे देगा, न्यूमेरिकल बना देगा, बताओ इसका केपी कैलकुलेट करो, केसी कैलकुलेट करो, बस वही। तो क्या पुराने क्वेश्चन और इसमें कुछ अंतर है क्या, थोड़ा आसान हो जाएगा ये, बल्कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इससे बढ़िया एक तो ये मॉडल है, एक्सप्रेशन लिखवा लेगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन लिखते आपसे आना चाहिए क्या कैसे होता है, ठीक है। मैं ये वाला कर रहा हूं, यदि मैंने इस क्वेश्चन को इसी तक सीमित करने के लिए बनाया था, चालू है, ठीक मिटा दे इसको, एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
0.4, then find this. सब कुछ गैस में, ठीक है, सब कुछ गैस में, ठीक। केपी पूछना होता तो या कि टेम्परेचर दे दे या कि प्रेशर दे दे, क्योंकि केसी केपी में रिलेशन भी जहां पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा नहीं देगा तो हम टेम्परेचर पर मान के निकाल भी देंगे, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू क्या रखें? 0.00, ठीक है, 0.008 करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो केसी निकाल लेंगे तो केपी आराम से निकाला जा सकता है। निकाले केसी, बन जाएगा क्या क्वेश्चन? बन जाना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, पर जेई लेवल का बेस्ट क्वेश्चन है, यकीन माने जेई लेवल पे बढ़िया मॉडल है। आप करके देख लीजिएगा, डिग्री ऑफ डिसिशन क्वेश्चन अगर आए तो अच्छा क्वेश्चन। चलिए मैं बिठाता हूँ क्वेश्चन, एक समझ के क्या था? PCl5 डिसोसिएट हो रहा था PCl3 और Cl2। 5 मोल था ये जीरो, ये जीरो, शुरू में कुछ एक तरह स्टार्ट हो रही है अभी एट इक्विलिब्रियम। चलिए कितना फाइव माइनस अल्फा, मान लेते हैं अल्फा लेके चलते हैं, ये कितना बनेगा अल्फा, ये कितना बनेगा, सब कुछ। अच्छा वॉल्यूम दिया नहीं है, दिया था क्या? नहीं दिया था, ठीक है, एक लीटर मान के चलिए, ठीक है, वॉल्यूम नहीं दिया है, हालांकि दे देता है, मैं मान लेता हूँ कि सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, एक लीटर के बर्तन में हो रही है। तो आगे चल के जब हम कंसंट्रेशन निकालने जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 - α/1, ये α/1 और ये α/1, मतलब मैं कोटा में था ना डायरेक्टली, अपन इसके बाद अपन 1, 2 जो भी रह करते थे, मैं सोचता ये कहाँ से सपना आ जाता है, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता था कि अच्छा मोलैटी निकाल रहे हैं। अच्छा फिर मैं पहुंच जाता था मोल कॉन्सेप्ट में, मोलैटी निकालने का तो बड़ा भयंकर फार्मूला होता था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू पता नहीं क्या क्या, ये मतलब इससे डिवाइड करके मोलैटी ये कौन सा तरीका है निकालने का, सोचो ये फर्क था हमारे सोच में। अब पता चला अरे यार मोल अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू मोलैटी, मोल पर लीटर वॉल्यूम, वही तो होता है, ठीक। हम केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो कितना हो जाएगा, PCl3 का एक्टिव मास इनटू क्लोरीन का एक्टिव मास अपॉन PCl5 का एक्टिव मास इक्वल टू 5 - α इनटू अल्फा, सॉरी अल्फा इनटू अल्फा अपॉन 5 - α, PCl3 अल्फा, ठीक। तो यहाँ से केसी आपका कितना मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 5 - α, तो अल्फा कितना दिया था, 0.4 कितना दिया था, 4 दिया था, जो भी दिया रहा हो मान लो अगर अल्फा 0.4 दिया हो, 4 ही देगा, 0.4 × 0.4 अपॉन 5 - 0.4, जो भी आया देख लीजिए यहाँ से, जो भी आया, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं सब कुछ बड़े अच्छे से, ठीक। क्या कठिन है डिग्री ऑफ डिसिशन क्वेश्चन? नहीं, डेंसिटी का रिलेशन भी होता है। अब हालांकि स्मॉल डी और कैपिटल डी का रिलेशन पढ़े होंगे मोलैटी में, वो कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े हैं, वेट कीजिए, देखेंगे कल एक बढ़िया चीज, दो लेक्चर और बचेगा, इसके बाद अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, देखते रहिए, तब तक वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट।